जानकारी के मुताबिक सरकार की पहली लिस्ट में उन 136 लोगों के नाम शामिल होंगे जिन्होंने काला धन विदेशी बैंकों में जमा कराया है। अरुण जेटली के दावे ने कांग्रेस को परेशान कर दिया है, जिसके बाद उसने बीजेपी पर ब्लैकमेल करने के आरोप लगा दिए कि केवल 136 नाम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वित्त मंत्री जी को कहना चाहेंगे कि अर्ध सत्य सत्य नहीं होता है। सेलेक्टिव और विंडिक्टिव नामों की लीकेज के अंदर ना जाएं और सारे के सारे नाम लेकर के आए। कांग्रेस पार्टी किसी भी इस प्रकार की धमकी से ब्लैकमेल होने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी को धमकाने और ब्लैकमेल की कोशिश कतई नहीं करें। तो मंत्री जी का बयान कि इससे कौन एम्बरस होगा या कौन मुक्त होगा, मैं नहीं समझता कि इसको किसी किस्म की कोई अहमियत देने की ज़रूरत है। इनका बयान सिर्फ न्यायालय की कार्रवाई से संबंधित है कि वहाँ उन्हें नाम उपस्थित करने पर मजबूर किया जा रहा है और वो करेंगे। इसको डिस्क्लोज करने में किसको एम्बेरसमेंट होगा वो हमारा पहला कंसर्न नहीं होना चाहिए। जिसको होगा एम्बेरसमेंट होने दो, हमारा पहले कंसर्न होना चाहिए कि ये जो एक कलंक है इसको साफ करना है और उसके लिए जो लीगल हर्डल्स है उसको ओवरकम करने के लिए क्या स्ट्रेटजी लेना चाहिए, मेरे ख्याल में कदम उठाना चाहिए। दे हैड प्रॉमिस्ड द कंट्री दैट दे आर गोइंग टू अनअर्थ दिस एंटायर थिंग। नाउ दे हैव वर्चुअली गॉन बैक एंड डूइंग एग्जैक्टली व्हाट द अर्लियर यूपीए गवर्नमेंट इज डूइंग, सेइंग दैट लीगली वी कैन नॉट टेक दीज एक्शंस, इट विल बी वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन ट्रीटीज एंड विद स्विट्जरलैंड। नाउ दिस इज ए कंप्लीट turn around from the position they have taken। जी न्यूज़ को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक काले धन की जांच में जिन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं